हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम खुशबू सिंह और आज इस वीडियो में हम टिशू सिल्क साड़ी से रिलेटेड बहुत सारी नई बातें सीखने वाले हैं। साथ ही ये भी सीखने वाले हैं कि ऐसी साड़ी के अंदर किस टाइप का पेटीकोट पहने ताकि ये इजी टू हैंडल हो, और साथ ही प्लीट्स बनाने का भी बहुत बढ़िया ट्रिक मैं आपको बताऊँगी। अगर आपको ये साड़ी बहुत ज़्यादा ट्रिकी लगती है, प्लीट्स नहीं बनती हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स को आज हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप पूरी ड्रेपिंग देख सकते हो जो कि दिखने में बहुत खूबसूरत है। ऐसी ही ड्रेपिंग मैं आपको करना बताऊँगी। तो चलिए, आज की साड़ी अगर आपको पसंद आ रही है जो कि बहुत खूबसूरत है, बहुत शाइनी है, तो लिंक मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही यहाँ पे रेडीमेड ब्लाउज मैंने वियर कर रखा है और पेटीकोट मैं यूज़ कर रही हूँ सैटन का। ये सैटन का पेटीकोट है जो साड़ी जैसी ही बिल्कुल शाइनी है, लेकिन इस पेटीकोट के लिए अगर आप डोरी यूज़ करना चाहते हो तो कॉटन का डोरी आपके लिए बेस्ट होगा। चलिए, ये पेटीकोट इस साड़ी के लिए बेस्ट क्यों है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। पहले तो हम इसका नॉन पल्लू साइड को राइट की साइड से ड्रेप करना शुरू करेंगे। तो एक नॉर्मल टक लगाएंगे हम और इस साड़ी की शाइन आप देख सकते हो, और साथ ही जो पेटीकोट की शाइन है ना, वो दोनों ही आपस में मिल करके डबल शाइन क्रिएट करती है। तो इस वजह से देखिए, टिशू की सिल्क की साड़ी जो होती है थोड़ी ट्रांसपेरेंट होती है, वो आप सबको पता है। तो अगर इसके अंदर हम कोई रबर वाली पेटीकोट पहने या फिर हम कोई ऐसी पेटीकोट पहने जिसमें शाइन ना हो, तो इसकी शाइन थोड़ी सी कम हो जाती है। तो इसीलिए सैटन का पेटीकोट इसके लिए बेस्ट होगा। चलिए, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा टाइट फिटिंग बेसिक राउंड क्रिएट किया है ताकि नीचे की साइड से जो हमारी पतली सी साड़ी की बॉर्डर है वो हमारा चलते फिरते टाइम ट्विस्ट ना हो। अब यहाँ पे हम अपनी जहाँ बेसिक राउंड ख़त्म कर रहे हैं वहाँ से एक चौड़ी प्लीट लेंगे सेंटर प्लीट बनाने के लिए, एंड देन इसको हम टक कर देंगे। जैसे कि आप सब देख सकते हो कि साड़ी में फॉल लगी हुई नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ सिखा रही हूँ, आप जब भी साड़ी को पहन करके बाहर जाने वाले होगे तो एक फॉल लगी हुई साड़ी ही पहनिएगा, क्योंकि ये साड़ी बहुत पतली होती है तो ये बहुत जल्दी डैमेज हो सकती है। इसीलिए फॉल जो होती है वो हमारी साड़ी को लंबे समय तक सेफ रखती है। चलिए, अब यहाँ पे हम प्लीट अरेंज करना शुरू करेंगे। प्लीट्स बनाने के लिए आप मेरी केवल राइट हैंड की उंगलियों को ध्यान से देखिए। मैंने जिस तरीके से उंगलियों को सेट किया है इसकी अपर बॉर्डर पर, आपको उसी तरीके से करना है, और स्टार्टिंग आपको करनी है पतली पतली प्लीट्स के साथ। यहाँ पे आप मेरी फर्स्ट प्लीट की डायरेक्शन भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, और फिर जब लास्ट प्लीट हम बना रहे होंगे तो उसको हमें थोड़ा ज़्यादा चौड़ा कर देना है। अब आप देखिए, पीछे की साइड पे पतली प्लीट्स हमने जो बनाई है वो एक जैसी हैं, और लास्ट वाली प्लीट हमारी थोड़ी ज़्यादा चौड़ी, ताकि पीछे की जितनी प्लीट्स हैं वो अच्छे से कवर रहें। अब यहाँ पे मैं आपको एक नई पिन दिखा रही हूँ, इसको भी आप चाहो तो साड़ी में ऐसी प्लीट्स को सिक्योर करने के लिए यूज़ कर सकते हो। इससे आपकी साड़ी की लुक भी ख़राब नहीं होगी, पिन जैसा भी कुछ नहीं दिखेगा बाहर से, और साड़ी के साथ ही बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती है। तो आप लोग अगर ऐसी पिन लेना चाहते हो, इसकी लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी, ये बहुत सुंदर लगता है। अब अगर आपको सर पे घूंघट लेना है तो ऐसी पिन आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ लॉन्ग पल्लू क्रिएट करने वाली हूँ, इसलिए इस टिप को हमें लॉक करना बहुत ज़रूरी था। अब आगे की लेंथ को अगर इस साड़ी में आपको पकड़ना है तो आप अपने कमर का सपोर्ट ले सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे फैब्रिक को रख रही हूँ, और फिर राइट हैंड की उंगलियों को आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो बहुत ही जल्दी में आपका पूरा लेंथ जितना आप लेना चाहते हो पल्लू के लिए वो आपका गैदर हो जाएगा। लेकिन बीच बीच में ऐसे इसको रब करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम यहाँ कोई इसको प्रेस करने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये बहुत झंझट का काम लगता है, लाइक साड़ी पहनते पहनते प्लीट्स आयरन करना। तो आप ऐसा ट्रिक यूज़ कर सकते हो, बहुत इजी है, बहुत कन्वीनियंट है। अब हम अपनी शोल्डर पे रख करना एक लेंथ नापेंगे जो कि हमारा पल्लू का लेंथ होगा, और हमेशा अपनी पल्लू की लेंथ घुटने से नीचे तक रखिएगा अगर आपको साड़ी में लंबी दिखना है तो। अब कंधे पे जहाँ पे हम पिन लगाने वाले हैं उसको हम थोड़ा ट्विस्ट कर देंगे, और उल्टा साइड से जो हमारे पहला प्लीट होगा इसको हमें थोड़ा सा ना एक छोटी सी प्लीट बनाना है यहाँ पे, और फिर इसके ऊपर से हम एक एक्सक्लिप यूज़ करें जो कि साड़ी के लिए काफ़ी सेफ है। अब यहाँ पे हमने एक एक्सक्लिप लगाया है, अब यहाँ एक छोटी सी लूप बन रही होगी, उस लूप में से भी हम एक यू क्लिप लगाएंगे। अब यहाँ पे तो हमने दो दो क्लिप्स यूज़ किए हैं, लेकिन ऊपर से देखने पर लगेगा कि सिर्फ हमने एक्स क्लिप ही यूज़ किया है। तो ये आपको यू क्लिप जो है ना वो थोड़ा फैब्रिक को साथ में लेकर के अंदर की साइड से लगाना होगा। अब शोल्डर के बाद सामने की तरफ जो लेंथ आने वाली है हमारी, इसको भी हम प्लीट्स में ऐसे थोड़ा स्प्रेड कर देंगे और फिर हाथों से ज़ोर से प्रेस कर देंगे। तो ऐसे लगेगा कि हमारी साड़ी की प्लीट्स बिल्कुल अच्छे से प्रेस की हुई है, इससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। चलिए, अब हम अपने कंधे पे लेकर के इसको सेफ्टी पिन से सिक्योर करेंगे।
अब मैं यहाँ सेफ्टी पिन क्यों यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि आप जैसे देख सकते हो ब्लाउज़ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मोटी हो गई है इसकी फैब्रिक डिज़ाइन की वजह से, तो अगर हम क्लिप यूज़ करेंगे तो ये प्लीट्स को ना प्रॉपर पकड़ कर नहीं रख पाएगा। इसलिए कुछ ज़रूरी जगहों पे जहाँ पे हमें सेफ्टी पिन यूज़ करना ही करना है, तो वहाँ पे आप बिल्कुल स्मॉल साइज़ की सेफ्टी पिन यूज़ कीजिएगा, क्योंकि शोल्डर वाली प्लीट्स हमने पहले ही सेट कर ली है, हाथों से प्रेस भी कर दिया है, तो उससे हमारी सामने की फिनिशिंग जो है वो बहुत अच्छी आएगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख ही सकते हो। तो ये हमारी लास्ट वाली चौड़ी प्लीट इसीलिए हमने रखा था ताकि हमारी लेफ्ट साइड की बस्ट भी अच्छे से कवर रहे। चलिए अब हम बनाएंगे अपना सेंटर प्लीट। सेंटर प्लीट हम इस साड़ी में उल्टे साइड से बनाएंगे, यानी नीचे की बॉर्डर को हम ऐसे उठाएंगे जो हमने चौड़ी प्लीट बनाई थी ना उसी प्लीट की, और इसको प्रॉपर आप अच्छे से पकड़िएगा, और फिर यहाँ पे हम उल्टे डायरेक्शन से प्लीट्स अरेंज करना शुरू करेंगे। प्लीट्स की चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा रखिएगा, पतले प्लीट्स इस साड़ी में और भी ज़्यादा आपको बलून टाइप की लुक देगी, और साथ में उसमें फिनिशिंग भी अच्छी नहीं आती है, कोई भी प्लीट की लाइन ना प्रॉपर नज़र नहीं आएगी, तो इसीलिए हम चौड़े प्लीट्स बनाएंगे ताकि उसकी फिनिशिंग भी अच्छी रहे और वो सामने से दिखने में थोड़ा स्लिम लुक लगे। चलिए अब हमने जैसे ही इसमें प्लीट्स बनाई है ना, उनको हम अपने पैर के नीचे से दबा देंगे, और जो भी प्लीट्स अब हम ऊपर की साइड पे पकड़ेंगे उसको थोड़ा टाइट करते हुए खींचते हुए पकड़ेंगे, तो इससे हमारी अगली जो बनने वाली प्लीट है, जो फैब्रिक हम पकड़ेंगे, उसकी लाइन हमारी क्लियर हो जाएगी। और एक दो एक्स्ट्रा प्लीट यहाँ पे बन सकती है जिसको आप शायद अपनी प्लीट बनाते वक्त फैब्रिक में ना अरेंज करो। कमर वाली प्लीट के लिए ना हम थोड़ी सी लेंथ छोड़ देंगे, और अब ऊपर की साइड से हम अपनी फैब्रिक को थोड़ा रोल करते हुए जाएंगे, क्योंकि अभी भी ये काफ़ी फुली फुली सी दिख रही है, तो ये बिल्कुल फ्लैट हो जाए बिना आयरन किए हुए, उसके लिए हमें ये करना बहुत ज़रूरी है। अब जहाँ तक फैब्रिक आपकी जा रही है रोल होते हुए आप वहाँ तक ले जाइए, बाकी की लेंथ क्योंकि ये नीचे तक पूरा नहीं जा पाएगा इसलिए बाकी की लेंथ आपको हाथ से ही प्रेस करना होगा, तो ज़ोर से आप इसको प्रेस कर दीजिए। तो बिल्कुल अच्छे से प्रेस करने के बाद अब हम रोल की हुई फैब्रिक को धीरे धीरे करके खोलेंगे, और आप यहाँ पे इसकी फिनिशिंग देख सकते हो, ऐसा लग रहा है जैसे हमने इसको प्रॉपर आयरन किया हुआ है, बट रियलिटी हम सब जानते हैं। अब हम सेंटर प्लीट को अपनी बेली बटन के पास रखेंगे, उसके बाद हम ये ऊपर से यूज़ करेंगे साड़ी पिन। ये साड़ी पिन मैं समझती हूँ कि हर साड़ी के लिए काफ़ी ज़्यादा सेफ है। अब जो हिप के लिए हमने हल्की फैब्रिक छोड़ी थी उसको हम अपनी सेंटर प्लीट के नीचे से इस तरीके से बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद हमें फैब्रिक बिल्कुल भी नहीं खींचनी है। फैब्रिक जैसे ही हम बाहर निकालेंगे ना, तो यहाँ पे हमारी कमर के पास अपने आप फैब्रिक इस तरीके से आना शुरू हो जाएगा, तो इसे हमें बिल्कुल एक प्लीट की तरह शेप देना है और ज़्यादा कुछ नहीं। जो फैब्रिक हमने निकाला था उनको हम अपनी नॉर्मल बेसिक राउंड में टक कर देंगे। अब ये जो सेंटर प्लीट आपको दिख रही है इसकी केवल हम पीछे की प्लीट्स पकड़ेंगे, राइट की फर्स्ट प्लीट की पहली लेयर छोड़ते हुए सभी प्लीट को अंदर की तरफ हम टक कर देंगे। जब आप टक लगा रहे होगे तो पेट को अगर हल्का सा आप अंदर की तरफ दबा लोगे तो आपको बढ़िया स्पेस मिल जाएगी इसको अच्छे से टक करने के लिए। अब ये जो एक्स्ट्रा हमारी फैब्रिक थी इनको भी हम अच्छे से मैनेज कर लेंगे। देन यहाँ की लेंथ थोड़ी सी हम नीचे की तरफ प्रेस करते हुए ऐसे सेट करेंगे। तो पूरी सेटिंग करने के बाद यहाँ पे आप इसका फाइनल लुक देख सकते हो। तो ये आपकी कमर के साइड से आपको बिल्कुल कर्वी लुक देगा, और जो सामने की तरफ हमारी फुली हुई प्लीट है ये बिल्कुल मरमेड टाइप की लुक क्रिएट करेगी। तो इस साड़ी का एडवांटेज यही है कि हम नॉर्मल अपनी साड़ी स्टाइल में भी ना इसमें हम इस मरमेड लुक क्रिएट कर सकते हैं, और जो हमारी लॉन्ग पल्लू है आप देख सकते हो इसे हाइट बिल्कुल दबी हुई नहीं लगेगी। सो आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अपनी अगली नेक्स्ट वीडियो में, सो टिल देन टेक केयर एंड